उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के किले ही नहीं ढहे, सपा का MY समीकरण भी फेल हो गया। ना रामपुर में जीत मिली ना आजमगढ़ में, लेकिन सपा की इस हार में मायावती अपनी जीत देख रही हैं। वो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मिले वोट के बाद एक वर्ग विशेष को संदेश दे रही हैं कि भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ बसपा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई मायावती की इस बात में दम है या फिर सपा के खेल खराब करने के पीछे बसपा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट। हार कर भी जीत गई माया, भाजपा ने अखिलेश का किला ढहाया। यादव मुस्लिम का समीकरण फेल, पर्दे के पीछे का खेल। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में अखिलेश यादव भले ही फेल हो गए हों, लेकिन मायावती हार में भी अपनी जीत देख रही हैं, जिसकी गवाही दे रहे हैं ये बैक टू बैक ट्वीट जो मायावती ने आजमगढ़ के उपचुनाव के नतीजों के बाद की। क्योंकि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना सबसे अभेद किला मानती थी, उसे भाजपा ने 8,679 वोट से जीत लिया है। भाजपा के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट। लेकिन बसपा के गुड्डू जमाली को मिले 2,66,210 वोट से मायावती इतनी खुश हैं कि उन्होंने एक वर्ग विशेष को संदेश दे दिया है कि भाजपा का विजय रथ अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ बसपा है। मायावती दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने में जुटी हैं। मायावती ने फिर एक बार एक वर्ग विशेष को लेकर बयान देते हुए कहा कि भाजपा को सिर्फ बसपा ही हरा सकती है। दरअसल मायावती को लगता है कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के जरिए दलित मुस्लिम गठजोड़ का जो प्रयोग किया था वो सफल रहा, लेकिन सपा आजमगढ़ की हार के पीछे बसपा को जिम्मेदार बता रही, क्योंकि बसपा ने गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया जिससे मुस्लिमों के वोट बट गए और भाजपा की जीत आसान हो गई। अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। वैसे ऐसे आरोप 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने भी लगाए थे। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। दरअसल जिस बसपा के 2017 में 22.22% वोट थे, वो 2022 में घटकर 12.88% तक पहुंच गए। आरोप लगे कि बसपा का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ और 32% से ज्यादा वोट पाने के बाद भी सपा की साइकिल बीच में ही पंचर हो गई। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन इस जीत के बाद भी अगर बात करें तो जीत की बाजीगर कहीं ना कहीं मायावती बनी है। सभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया था, और लोकसभा उपचुनाव में भी अगर आजमगढ़ की बात कर लें तो उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करके समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती भाजपा को हराने से ज्यादा सपा को रोकने पर जोर दे रही या फिर अपने मुस्लिम दलित वोट को एकजुट कर खुद को फिर से मजबूत कर रही हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जो मुस्लिम वोट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में सपा को मिला वो उपचुनाव में नहीं मिला, और ये इसी का नतीजा है कि जिस आजमगढ़ की सभी सीटें 3 महीने पहले सपा ने जीती थी वहां सपा लोकसभा का उपचुनाव हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देखिए थोड़ा और नजदीक से समझिए कि 2022 उपचुनाव में MY समीकरण किस कदर फेल हुआ। इसे समझने के लिए अगर आप आंकड़ों का सहारा ले तो आपको एकदम साफ हो जाएगा कि ये खेल कैसे खराब हुआ है। देखिए 2022 में आप अगर वोट को गिनते हैं, निरहुआ टॉप पर हैं, विजयी हैं, इन्हें मिले थे 3,12,778 वोट। उसके बाद आते हैं धर्मेंद्र यादव, 3,04,089 वोट, इनको इतने वोट मिले। लेकिन शाह आलम यानी गुड्डू जमाली, इनके वोट को आप देखते हैं 2,66,210 वोट। सोचिए अगर एक धर्म विशेष या जिस MY समीकरण का M हम कह रहे हैं,
ये धर्मेंद्र यादव के साथ जुड़ गया होता तो 3 × 2 यानी 5 का आंकड़ा होता, लेकिन फिलहाल ये जो 2 लाख का आंकड़ा है वो कितना भारी पड़ा। आइए थोड़ा पीछे आ जाते हैं, 2019 का जिक्र करते हैं, जब MY समीकरण में सपा बसपा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो क्या हुआ था। अखिलेश यादव को देखिए 6,21,578 वोट मिले थे और यही निरहुआ जो आज विजयी हैं, देखिए इनके वोट अभी भी 3,61,704, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के यानी जो कि उनकी जगह पर धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे वो सिर्फ 3 लाख तक आ पाए हैं, जबकि इन दोनों का जो गणित था वो पिछली बार 19 के चुनाव में जब बसपा और सपा एक साथ लड़े तो वो दिखाई देता है। लेकिन ठीक इससे इतर आप 14 का गणित देखेंगे तो भी आपको इसी तरीके की चीजें दिखाई देंगी। मुलायम सिंह यादव छोटा नाम नहीं है, दिग्गज उतरे थे, उन्हें वोट मिला था 3,40,306। रमाकांत यादव रनर अप रहे थे, उन्हें वोट मिला था 2,77,102। और शाह आलम गुड्डू जमाली जो इस बार भी कहिए सपा का खेल बिगाड़ पाए, उन्हें मिला था 2,66,528 वोट, यानी जो 2,66,000 करीब 14 का उनका अपना वोट बैंक था वो अभी भी इंटैक्ट है। इस उपचुनाव में भी लगभग इतने ही लोगों ने उनको फिर से वोट दे दिया, लेकिन ये वोट माइनस हो गए कहां से, समाजवादी पार्टी से। यानी MY समीकरण का जिस तरीके से दरकना हमारे सामने आया उपचुनाव में एक अव्वल उदाहरण बन करके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।